हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी जी, देश की जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाइए राहुल गांधी। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर जनता को राहत देने के नाम पर करीब 2.5 रुपए कम किए, मगर अब भी पेट्रोल 82 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि लगातार गिर रहे रुपए की वजह से तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है और अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं तो जनता को काफी राहत मिलेगी। इसी मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, आदरणीय श्री मोदी जी, आम जनता पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों से बहुत ज्यादा परेशान है। आप कृपया पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आइए। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कई दिन से चल रही है। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो आम लोगों को राहत तो मिलेगी ही, वही केंद्र और राज्य सरकार को इससे नुकसान हो सकता है। और अगर इसमें 28% की दर से जीएसटी जोड़ लिया जाए तो भी ये 53.50 रुपए प्रति लीटर बैठेगा, यानी मौजूदा दर से 24.33 रुपए कम। बता दें कि डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया फिर लुढ़का। गुरुवार को रुपए ने ऐतिहासिक गिरावट का स्तर छुआ। ये डॉलर के सामने 73.81 के स्तर पर पहुंच गया था। बुधवार को ये 73.34 में बंद हुआ और गुरुवार को बाजार खुलते ही 73.60 स्तर पर खुलने के बाद शुरुआती कारोबार के दौरान 73.79 पर पहुंच चुका है। मोदी सरकार की तरफ से कीमतें गिरने से रोकने की बात कही गई, मगर फिलहाल इसका असर नहीं दिखाई दे रहा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।